Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for Hindi as well as English medium students, and will be useful for various teaching examinations like UGC, NET, CTET, etc. And subscribe my channel so that you can get my upcoming videos too. So, the topic of today's discussion is a very important, fundamental and relevant topic under educational sociology. Generally, we have talked about educational psychology lectures, but today I am taking about educational sociology topic, social mobility. Okay, let's start. Social mobility means सामाजिक गतिशीलता. मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता एंड सोशल इज इट्स ऑब्वियस इट इज सामाजिक. तो सामाजिक गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? समाज में गतिशील होने से क्या अर्थ है? समाज में गतिशीलता को समाज शास्त्रियों ने किस तरीके से देखा है ना, ये देखना है हमको. और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप हम जानते नहीं है. हम लोग जानते हैं, उसको महसूस करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं. बस हमको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होते हैं, वो हमको पता चल जाएगा तो देन इट विल बी ईजी. तो सोशल मोबिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू द शिफ्ट. क्या है? मोबिलिटी है ना, तो यानी कि हम गतिशील होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. तो ये क्या है? ये शिफ्ट है इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस. हम चलकर नहीं जा रहे हैं, हम समाज में जा रहे हैं. तो समाज की गतिशीलता है, तो इसका मतलब कि हमारा शिफ्ट किस में होगा? सोशल स्टेटस में. यानी कि हम पहले किसी और सोशल स्टेटस में होंगे, बाद में हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा. तो ये जो शिफ्ट इन स्टेटस है, दैट विल रिजल्ट इन टू द सोशल मोबिलिटी. तो ये जो शिफ्ट है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है हमारे यानी कि व्यक्ति के सोशल स्टेटस में फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, यही सोशल मोबिलिटी कहलाता है. द शिफ्ट कैन बी सॉरी, शिफ्ट कैसा हो सकता है? या तो हम ऊंचाई पर चले गए, मतलब जहां थे उससे ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, या उसे नीची स्थिति में पहुंच जाए, या इंटर जनरेशनल हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमने कोई सोशल स्टेटस में चेंज कर लिया हो, या इंट्रा जनरेशनल हो, यानी एक ही पीढ़ी में हमने अपने स्टेटस को चेंज कर लिया हो. एंड इट कैन नॉट नेसेसरीली बी डिटरमाइंड द चेंज इज फॉर गुड और बैड. और ये कहीं नहीं कहा जा रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि ये सही है गलत है. सही गलत की बात नहीं है इसमें, सिर्फ ये बात है कि चेंज है. और किसमें चेंज है? सोशल स्टेटस में चेंज है. किसके सोशल स्टेटस में चेंज है? व्यक्ति के सोशल स्टेटस में चेंज है. ओके, then it refers to the movement of individuals or groups in social positions over time. है ना, यानी कि movement है यहाँ पे, shift है, movement है. movement किसका है? individuals का है, व्यक्तियों का है, समूहों का है, और समय के साथ है, और सामाजिक स्थिति में है. तो सामाजिक स्टेटस में है, सामाजिक स्थिति में है. मोस्ट कॉमनली सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द चेंज इन वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिलीज. या हम कह सकते हैं कि जब सामाजिक गतिशीलता होती है तो हमारे धन, मतलब जो हम वेल्थ हम पजेस करते हैं, जितना धन हमारे पास होता है, उसमें और सोशल स्टेटस में चेंज आता है. फिर इट इज द मूवमेंट, ये क्या है और क्या है ये? इट इज द मूवमेंट इन टाइम ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और अदर सोशल यूनिट्स बिटवीन पोजीशंस ऑफ वेरिंग एडवांटेज इन द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए सोसाइटी. देखिए बहुत सारे इसमें टर्म्स आ गए. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? सामाजिक स्तरीकरण. देखिए समाज में हमारे स्तर निर्धारित है, कौन उच्चतम स्तर पे है, निम्नतम स्तर पे है, मध्यम स्तर पे है, कहाँ कौन स्थित है, क्लास वाइज, कास्ट वाइज, वेल्थ वाइज, ये सारा निर्धारण है हमारे समाज में. तो जब हम मूव करते हैं इंडिविजुअल के रूप में, फैमिली के रूप में, या किसी और सोशल यूनिट के रूप में, बिटवीन पोजीशंस ऑफ वेरिंग एडवांटेज, यानी कि अगर हम उच्चतम स्तर पे हैं तो उसका लाभ अलग है, निम्नतम स्तर पे हैं तो उसके हानि ज्यादा है, लेकिन पर कुछ लाभ भी है. तो ये जो वेरिंग एडवांटेज, यानी कि जो लाभ की स्थिति है, जो हर पोजिशन में बदल जा रही है, उसके तहत हमारा मूवमेंट है. इन द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि समाज के जो सामाजिक स्तरीकरण का जो निकाय बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया, उसमें हमारा मूवमेंट हो रहा है. देन इट इज द एबिलिटी टू चेंज योर सिचुएशन इन योर सोसाइटीज क्लास स्ट्रक्चर. इसके पास ये कौन सी, ये सोशल मोबिलिटी क्या है? एक योग्यता है जो चेंज कर सकती है हमारी स्थिति. सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस तरीके का बना हुआ है. तो ये सोशल हायरार्की है. देखिए इसमें ये हायरार्की हमको बर्थ से मिली है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूफेमिस्टिकली इट मीन्स टू क्लिम्ब और डिसेंड द सोशल लैडर, यानी कि जो सामाजिक सीढ़ी है, हम उस पर चढ़ उतर रहे हैं. किस
social mobility. Okay, then mobility more or less provides people with benefits as they are motivated by different factors in society and work to reach new roles that offer them a better standard of living and greater rewards. मतलब कि ये जो गतिशीलता है वो हमको बहुत सारे लाभ प्रोवाइड करती है. मतलब हमको किसी लाभ के तहत ही तो हम सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं कि अगर हम उच्चतम वाले स्तर पर पहुंच जाएंगे, ज्यादा वेल्थ हो जाएगी हमारे पास, तो हमारा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, यानी कि हम सोशली मोबाइल हो जाएंगे, हम वर्टिकल मोबिलिटी शो कर लेंगे. तो ये जो फैक्टर्स है जो हमको मोटिवेट करते हैं कि हम चढ़ें ऊपर जाएं, अपनी स्थिति को चेंज कर लें, तो ये इसमें क्या है बेटर स्टैंडर्ड. क्यों? क्योंकि वहां पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी, हमारे जीवन का जो रहन सहन का स्तर है वो बेहतर हो जाएगा, ग्रेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे. फिर सोशल पोजीशन इन द कास्ट सिस्टम इज दिस. अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या आगे भी ये बात आएगी कि हमारी जो कास्ट सिस्टम है उसमें मोबिलिटी संभव नहीं है भारतीय समाज में, क्योंकि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है उसी कास्ट में वो उसकी मृत्यु हो जानी है. मतलब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो कितनी वेल्थ पजेस करता है ना. अब तो थोड़ा बहुत थोड़ा लूजन हो रहा है ये सिस्टम, लेकिन फिर भी रिजिडिटी इसमें अभी भी विद्यमान है. तो सोशल पोजीशन इन द कास्ट सिस्टम इज डिसाइडेड बाय असाइनमेंट रादर देन अटेनमेंट. इसका मतलब कि हम कास्ट सिस्टम में हमको कुछ अटेन नहीं करना है, हमको निर्दिष्ट कार्य, मतलब वो हम लेकर आए हैं, हमको जन्म से मिली हुई है हमारी कास्ट. इन एन ओपन सोसाइटी, अगर हमारा सोसाइटी अगर कोई खुला तंत्र होता है, खुला समाज होता है, तो विद इन ए क्लास सिस्टम तो मोबिलिटी पॉसिबल है. लेकिन हम लोगों का जो कास्ट सिस्टम सोसाइटी में है वो क्लोज्ड है, एक तरीके से समवॉट ओपन है, वेरी बहुत बहुत फ्यू चांसेस हैं उसमें, ज्यादातर क्या है क्लोज ही है. द पोजीशंस इन दिस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन द अचीव्ड स्टेटस लाइक एजुकेशन देन ऑन एस्क्राइब स्टेटस लाइक जेंडर. मतलब जो कह रहे हैं जब ओपन सिस्टम होता है सोसाइटी में तो क्या होता है कि किस पे डिपेंड करता है स्ट्रेटिफिकेशन, कि हमने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, हमने कितना हमारे पास धन है, इन सब चीजों से हम ऊपर नीचे होते हैं. लेकिन कास्ट सिस्टम में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी पजेस वी आर बाउंड टू दैट वेरी कास्ट इन विच वी हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप. ओके, तो ये सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट है. लेकिन सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट हमको क्या समझ में आया कि एक तरीके का शिफ्ट है पोजीशन में इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज का, और हमको लैडर है जिसमें हम चढ़ उतर सकते हैं, और चढ़ने का हमारे पीछे पर्पस होता है, मोटिवेशन होता है कि हमको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, इस तरीके की चीजें मिले. और जो कास्ट सिस्टम है वो क्लोज सोसाइटी का एक तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लेकिन जो क्लास सिस्टम है वो आप कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम ऑफ सोसाइटी. क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, मोबिलिटी पॉसिबल है. फिर ओरिजिन देखें कहां से ये शब्द आया निकल के, तो ये प्रिम सोरोकिन, इन्होंने किताब लिखी थी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, उसमें इन्होंने सबसे पहले सोशल मोबिलिटी का जिक्र किया था. तो रशियन बॉर्न अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पीटरिम सोरोकिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन हिज बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी. तो इस बुक में ये सबसे पहली बार सामाजिक गतिशीलता का जिक्र करते हैं, और ये कहते हैं इट स्टेट्स दैट देयर इज नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली ओपन एंड नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली क्लोज्ड. वो कह रहे हैं ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता जो बिल्कुल खुला हो, मतलब हर चीज का आवागमन हर तरीके से संभव है, और कोई सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जो कम्प्लीटली क्लोज हो, जैसे कास्ट सिस्टम इन इंडिया. यानी कि थोड़ा बहुत सब में गतिशीलता संभव है, इसी से निकल कर आया इनका सामाजिक और आपका ये कह सकते हैं सांस्कृतिक गतिशीलता, जिसमें से कि हम सामाजिक गतिशीलता का टॉपिक आज कवर कर रहे हैं. ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल बन जाएगा किसने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, तो पीटरिम सोरोकिन ने किया. कौन से ये कहाँ पैदा हुए थे, तो रशिया में पैदा हुए थे. कहाँ के सोशियोलॉजिस्ट थे, तो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे. किस किताब में जिक्र किया गया है, तो सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी. एंड आई थिंक ईयर मैं भूल रही हूँ, 1959 या 1956 है. आई विल बाद में मैं ऐड कर दूंगी इसको, एड ऑन आपको बता दूंगी. तो इतने सवाल तो सिर्फ इसी से बन जाएंगे. ठीक है, फिर टाइप्स. जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा सामाजिक गतिशीलता पर टिप्पणी कीजिए, या सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों को समझाइए, या लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सामाजिक गतिशीलता का कंसेप्ट, उसका ओरिजिन, उसके टाइप्स, उसके फैक्टर्स सब बताने होंगे. तो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है. देखिए कितने प्रकार की गतिशीलता संभव है. हॉरिजॉन्टल हो सकती है, क्षैतिज, यानी क्षैतिज का मतलब कि लेवल हमारा वही रहेगा, चाहे हम कुछ उसमें चेंज कर रहे हैं या नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे नहीं उतर रहे हैं, हम क्षैतिज लेवल पे हैं, एक ही लेवल पे हैं. व्हेन ए पर्सन चेंजेस देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन्स अनचेंज. मतलब हमने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया, हम मान लीजिए
यू कैन से कि एक तरीके की जॉब में थे, मान लीजिए टीचिंग में ही थे, और फिर हमने चेंज करके ओवरऑल टीचिंग से रिलेटेड ऊपर नीचे बहुत थोड़ा बहुत अंतर पे कोई दूसरी जॉब हमने इख्तियार कर ली, ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब हमने ऑक्यूपेशन तो चेंज किया अपना, लेकिन हमारा सोशल स्टैंडिंग ऐसा नहीं होगा कि टीचिंग के बाद हम सीधे हमने चपरासी की जॉब ज्वाइन कर ली, या हम उसके बाद एकदम बहुत ही किसी हायर पोस्ट पर चले गए। तो इसका मतलब कि हमने उससे मिलती जुलती जब हम जॉब में चेंज करते हैं तो हमारा जॉब तो चेंज होती है, तो मोबिलिटी तो है, लेकिन ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग क्या होती है, अनचेंज होती है। तो इस तरीके की मोबिलिटी को हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, जिसमें कि हम व्यवसाय चेंज करते हैं लेकिन हमारे सामाजिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोरोकिन डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एज अ चेंज इन रिलीजियस, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल और अदर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स विद नो चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन। मतलब हो सकता है हम धर्म बदल रहे हो, हम टेरिटरी बदल रहे हो, हम राजनीति का पॉलिटिकल पार्टी बदल रहे हो, या इस तरीके की जो शिफ्ट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स हैं, लेकिन इसमें ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होगा, या तो हम चढ़ेंगे और या उतरेंगे सोशल लैडर पे। और जनरली एक मिथ या एक मिसकंसेप्शन दिमाग में होता है कि वर्टिकल का अक्सर मतलब हम लोग ऊपर चढ़ना ही जानते हैं, लेकिन हम उतर भी सकते हैं, यानी कि उच्चतम स्तर से अगर निम्नतम स्तर पर आ रहे हैं तो भी ये वर्टिकल मोबिलिटी है। तो दिस रिफर्स टू अ चेंज इन द ऑक्यूपेशनल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटस ऑफ ए पर्सन दैट कॉजेज अ चेंज इन योर सोसाइटल पोजिशन। मान लीजिए कि शूद्र से ब्राह्मण या ब्राह्मण की शादी शूद्र में हो गई, कुछ इस तरीके का, जैसे बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है आपकी स्थिति में, या आपने कोई ऑक्यूपेशन बहुत ही आप निम्नतम स्तर की कोई जॉब करते थे, बहुत बढ़िया जॉब में आप एकदम उस में एक छोटे से एम्प्लॉय थे और आप एकदम उसके सीईओ बन जाते हैं, तो इस तरीके का जो चेंज है एकदम पता चल रहा है, स्टार्क मार्क डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो ये वर्टिकल मोबिलिटी का एग्जांपल है। एन इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर, वर्टिकल मोबिलिटी कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि यहाँ पे हम एक सोशल स्ट्रेटम छोड़ के दूसरे पर चले जाते हैं, या तो चढ़ती हुई हो सकती है या उतरती हुई हो सकती है, मतलब या तो हमारी स्थिति बेहतर होगी या हमारी स्थिति खराब होगी। किसमें? वर्टिकल मोबिलिटी में। किस परिप्रेक्ष्य में? सोशल स्टेटस के परिप्रेक्ष्य में। फिर इंटरजनरेशनल यानी पीढ़ीगत अंतर है। एक पीढ़ी तो मतलब मान लीजिए कि बहुत ही गरीब थी या बहुत ही उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी, वे वेल्थ के मामले में भी एकदम खराब था, लेकिन उसके बाद उनके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने बहुत अच्छा एक्वायर किया एजुकेशन एंड ऑल, एंड बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई, बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया, तो या उनकी शादी उच्चतम जाति में हो गई, तो ये जो शिफ्ट है ये क्या है, इंटरजनरेशनल हो जाएगा। इट हैपेंस व्हेन द सोशल पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दिस चेंज कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, सो सोसाइटल चेंजेस आल्सो कॉज द जनरेशन टू अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। देखिए पीढ़ी का अंतर है ना, मतलब हम पहले कुछ बिल्कुल ही दूसरी तरीके से रहते थे, अब दूसरी तरीके से रहने लगे हैं, तो ये हमारे वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग में भी चेंज करता है, इंटरजनरेशनल। और इंट्राजनरेशनल का मतलब कि एक ही पीढ़ी में आपने अपनी सोशल मोबिलिटी कर ली है, सोशली आप मोबाइल हो गए हैं एक ही पीढ़ी में। इट इज अ चेंज इन सोसाइटल पोजीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ए सिंगल जनरेशन, एक ही पीढ़ी के जीवन जो जीवन का जो विस्तार है उसमें ही हमने सोशल मोबिलिटी कर ली है। सोशल इट कैन ऑल्सो रिफर टू ए चेंज इन पोजिशन बिटवीन सिबलिंग्स, मतलब कि एक दो भाई हैं, चार भाई हैं, उनमें से दो बहुत अच्छी स्थिति में, दो बहुत खराब स्थिति में चले जाते हैं, तो ये क्या है, इंट्राजनरेशनल। क्यों? क्योंकि जो दोनों ने जब अपने माँ बाप के साथ थे तो जिस सोशल स्टेटस में थे उससे बहुत ज्यादा मार्क डिफरेंस शो कर रहे हैं सोशली मोबाइल हो गए। फिर रिलेटिव में क्या है कि ये भी एक प्रकार का की सोशल मोबिलिटी है। सोशल ये किस प्रकार की सोशल मोबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे और कारक हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज एंड हार्ड वर्क ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल टू द वेरिंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल, इंट्राजनरेशनल नाम ना देके रिलेटिव नाम दे दिया है कि सापेक्षिक गतिशीलता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन से वो कारक हैं, हमको पता चल जाएगा तो हम बेहतर सोशल मोबिलिटी के लिए प्रयास कर पाएंगे, है ना। इसके भी इसको पढ़ने के पीछे रीजन यही है। सबसे खास बात एजुकेशनल अटेनमेंट। देखिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूज में अक्सर आता है कि रिक्शे चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया, है ना, इस तरीके का ये बड़ी सी पोस्ट मिल गई, बढ़िया सा कुछ उसने अचीव कर लिया, तो अपने आप उसका सोशल स्टेटस एकदम बढ़ जाएगा समाज में, वो वर्टिकल मोबिलिटी पे एकदम सोशल लैडर पे एकदम चढ़ जाएगा ऊपर, एकदम अच्छी स्थिति उसकी हो जाएगी। तो शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हायर एजुकेशन लेवल्स लीड टू मोर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी विद इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। तो हम इससे यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज में शिक्षा का विस्तार हो, शिक्षा सब तक पहुंचे, तो हम अगर हमको बाई बर्थ नहीं मिला है अच्छा सोशल स्टेटस, तो हम बाई मतलब अटेन करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। फिर
Identity and discrimination. Discrimination based on aspects of a person's identity can gravely and unjustly affect their ability to be socially mobile. देखिए, अगर जिनसे discriminate किया जाता है, जिनसे विभेद किया जाता है, जो समाज में उनकी identity उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको किसी मतलब एक तरीके से उनको hurdle उनके सामने रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा socially mobile होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, इस तरीके से. Identity and discrimination. ओवरऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि द ओवरऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी एज ए होल कैन ग्रेटली इफेक्ट इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी. कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग नहीं समझते इस बात को, वो भी इफेक्ट करता है व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता को. किस तरह से? इट्स क्वांटिफायबली ट्रू, मतलब हमने रिसर्च करके ये निकाला है दैट मोर इक्विटेबली वेल्दी सोसाइटीज, यानी कि जो सोसाइटी में लगभग इक्वल वेल्थ है सबके पास, स्वीडन डेनमार्क हो गए, अलाउ फॉर ग्रेटर सोशल मोबिलिटी than more inequitably wealthy societies like the United States or Russia. यानी कि United States और Russia में more inequitable है, मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, इस तरीके का है. और Sweden और Denmark में लगभग सबके पास एक जैसी इनकम है, लगभग इक्विटेबल सोसाइटी है. तो इन दोनों में भी आप सोशल मोबिलिटी में अंतर देख सकते हैं. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर हो सकता है कि हम सोशली मोबाइल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, या गतिशीलता के लिए कितना मोटिवेशन लोगों के पास है ना. जहाँ पे ज़्यादा अंतर है वहाँ पे ऑब्वियसली आदमी चाहेगा कि हम उच्चतम स्तर प्राप्त कर लें, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं है तो कोई उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है हायर लेवल पे जाने के लिए, है ना. फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैपिटल क्या कह रहा है? कैपिटल इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ग्रेटली अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोग्रेस थ्रू द सोशल हायरार्की. पजेसिंग अ ग्रेटर इकोनॉमिक कैपिटल बेसलाइन जनरली अलाउज पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर एजुकेशनल रिसोर्सेज. देखिए, कैपिटल होगा, धन होगा, तो क्या होगा? शिक्षा की हमको प्राप्त करने की हमको बेहतर रिसोर्सेज मिलेंगे, और बेहतर हम शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम सोशली मोबाइल हो पाएंगे. ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें पूछा जाता ही है सोशियोलॉजी के टॉपिक्स में, ये रहता ही है, चाहे बीए हो, एमए हो, बीएड हो, एमएड हो, सोशल मोबिलिटी का टॉपिक रहता है. तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही चीज़ लिख सकें. और अगर खासतौर से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हमको मतलब कन्फ्यूज करते हैं कि सोशल मोबिलिटी इज वॉट, ये क्या है, पोजीशन में अंतर है कि स्टेटस में अंतर है कि स्ट्रक्चर में अंतर है कि क्या, इस तरीके की. तो हमको ध्यान देना होगा कि किस चीज़ के अंतर की बात की जा रही है. ओके, सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम स्कैन टू ज्वाइन एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके, सो थैंक यू ऑल.